मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम ने मेरठ में दूसरा बड़ा एक्शन लिया है, और ये एक्शन लिया है थापर नगर इलाके में। ये देखिए, यहां भी इस अवैध निर्माण को जो सील है वो यहां पर कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ढाई मंजिला ये पास कराया गया था, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि चार मंजिला इमारत बनकर यहां पर खड़ी हो गई। पूरी तरीके से अवैध निर्माण जारी था, लगातार मेरठ विकास प्राधिकरण की तरफ से नोटिस दिए जा रहे थे, लेकिन बावजूद इसके अवैध निर्माण जारी रखा गया। और उसके बाद यहां देखिए कि इसे भी यहां पर सील कर दिया गया है। सबसे पहले मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम ने होटल करीम्स पर सील लगाई थी, जिसका कुछ ही घंटे बाद उद्घाटन होना था, और उसके बाद मेरठ विकास प्राधिकरण का यह दूसरा बड़ा एक्शन आप देखिए। ये देखिए, मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम है और यहां पर ताले लगा दिए हैं, और अब यहां पर जो सील लगाने की कार्रवाई है वो यहां पर की जा रही है। दूसरी तस्वीर दिखा देता हूं कि मेरठ विकास प्राधिकरण पूरे दल बल के साथ यहां थापर नगर इलाके में पहुंचा, और यहां पर जो सख्त एक्शन है वो मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम की तरफ से किया गया है। ये देखिए, पूरी जो तैयारी है वो कई दिनों से चल रही थी, और मेरठ विकास प्राधिकरण के वीसी अभिषेक पांडे के निर्देश पर सुबह सवेरे ही मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए निकल पड़ी, और लगातार जो अवैध निर्माणों पर एक्शन है वो लगातार जारी है। आप ये देखिए कि यहां पर जो सील है वो मेरठ विकास प्राधिकरण के जो कर्मचारी है वो यहां पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, बड़ा अवैध निर्माण है, ढाई मंजिला पास कराना, ढाई मंजिले का नक्शा पास कराना, और उसके बाद अवैध रूप से चार मंजिला इमारत, ये बताया जा रहा है कि जो फ्लैट्स थे वो यहां पर बनाए जा रहे थे, गुपचुप तरीके से यहां पर काम चल रहा था। और अब देखिए कि ये एक्शन, यहां पर जो सील की कार्रवाई है वो मेरठ विकास प्राधिकरण के जो कर्मचारी है उनकी तरफ से कर दी गई है। ये देखिए, यहां पर जो कॉन्टेक्ट पर्सन का ये नाम लिखा हुआ है, ये देखिए, बाकायदा इन लोगों को नोटिस दिए गए थे, और नोटिस देने के बाद ही यहां मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम ने एक्शन लिया, क्योंकि अवैध निर्माण लगातार जारी था। यहां नोटिस के बावजूद भी अवैध निर्माण यहां पर जारी था, और आखिरकार आज मेरठ विकास प्राधिकरण ने बड़ा एक्शन लिया है। मेरठ विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दल के अधिकारी अर्पित यादव जी हैं, प्रभारी हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, आज तो पूरी तरीके से मेरठ विकास की प्राधिकरण की टीम एक से एक बड़ा एक्शन ले रही है, यहाँ क्या कमी? बिल्कुल, यहाँ पे जो ये निर्माण है इसका नक्शा जो स्वीकृत कराया गया उससे अतिरिक्त निर्माण कर लिया गया, सेटबैक्स को भी कवर कर लिया गया, और इसमें अवैध रूप से फ्लैटों का निर्माण किया जा रहा है। तो इसके इस वजह से मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा यहाँ सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है, अग्रिम कार्रवाई भी इस पर की जाएगी। अग्रिम कार्रवाई क्या सर, एक नोटिस जगह जगह चिपकाया, ध्वस्तीकरण, ये तो खामी कितनी बड़ी थी, क्या थी, थोड़ा दोबारा समझना चाहूंगा आपसे। इसमें इन्होंने ढाई मंजिल तक तो पास कराया है, और सिंगल यूनिट में पास कराया है, और इन्होंने मल्टी यूनिट बना दिया है इसको चार मंजिल तक, और जिसकी वजह से जो फ्लैट्स बनाए गए वो पूर्ण रूप से अवैध है और जिनकी खरीद फरोख्त नहीं होनी चाहिए। तो उस वजह से हम लोग इस चीज को रोकने के लिए, इस निर्माण को रोकने के लिए सीलिंग कर रहे हैं, और इसमें आगे भी कार्रवाई की जाए। देखिए, मेरठ विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दल प्रभारी अर्पित यादव हैं कि पूरी तरीके से अवैध निर्माण किया गया। एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, जरा दिखाएं। देखिए, ढाई मंजिला यहां इमारत पास की गई, और उसके बाद आप ये देखिए, चार मंजिला इमारत यहां पर बनकर खड़ी हो गई। ये फ्लैट्स बनाए जा रहे थे, करोड़ों रुपए इनकी कीमत है, क्योंकि शहर का पौश इलाका है थापर नगर, और यहाँ एक एक इंच जमीन की जो कीमत है वो बहुत ज्यादा है शहर के अन्य इलाकों से। लेकिन ये देखिए, मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम सील लगाने के बाद, ये देखिए ये किस तरीके से कार्रवाई यहां पर मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम की तरफ से की जा रही है। वीसी अभिषेक पांडे के निर्देश पर लगातार अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त एक्शन चल रहे हैं, और योगी राज में इसी तरीके के जो और भी बड़े एक्शन हैं वो भविष्य में देखने को मिलेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम आज पूरी तरीके से फॉर्म में है, और ना जाने कितने और अवैध निर्माणों पर ये एक्शन लिया जाएगा। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मेरठ।